तो इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं अभी पीछे पुलिस। अब ये गेट है, बाहर है, फ्रंट कैमरे से सब उल्टा ही आता है तो वो प्रवेश करते हैं, तो फ्रंट कैमरे से सब कुछ उल्टा दिखता है। फिलहाल चल रहे हैं, जो भी लिखा हुआ है सब उल्टा है, उल्टा दिखेगा। और बाकी हम लोग चलते हैं किले के अंदर, उन लोगों का इंतजार करते हैं, बस चंद सेकंड में वो लोग भी पहुंचने वाले हैं, वो आ जाएं तो चलते हैं। क्यों सिया जी भैया फोनो, जल्दी हम लोग वापस आ जाएंगे क्योंकि 5 बजे बंद हो जाएगा। हाँ मोबाइल लग लो, फोन कर रहे हैं लोग। ये अकबर का किला है, किले के अंदर हम लोग आ गए हैं। अकबर का किला ये 1605 में बना था। ये सब प्राचीन चीजें हैं। बहुत ही प्राचीन है ये किला। हुआ खुद को बदलो तो कोई बात बने। ईश्वर से सुख शांति मांगने वालों, दुख में साल अच्छा या बुरा तो तुम बनाते हो। हर दिन एक अच्छा काम करो तो कोई बात बने। इस साल भी सूरज चांद तारे वैसे ही चमकेंगे। अच्छा बात, अच्छा बात। यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी विश्राम किए थे। चलिए चलते हैं, अक्षय वट से निकलते हैं। अच्छे करे अंदर कमरा बना है। अक्षय वट बहुत ही प्राचीन वृक्ष। एक मंदिर है वहाँ पे हम लोग चलते हैं अंदर। ये तो अक्षय वट है और अक्षय वट का दर्शन हो गया है अकबर के समय से ही। ये ऐसे ही मतलब 400-500 साल से तो ये पता चल रहा है कि सुरक्षित है। अभी तक तो अभी बुढ़ा ना है बल्कि तो ये सब जितने भी बिल्डिंग बनती थी पहले चूना पत्थर उसमें बारीक करके फिर गोंद जौ सब ऐसे चीज डाले जाते थे, इससे जुड़ाइया होती थी। और ये सब तो बाद में हुआ है सीमेंट से प्लास्टर। हाँ प्लास्टर बाद में हुआ है, उस समय सीमेंट नहीं था। वो सब जो दीवार बनी है तो वो सब प्राचीन है, सीमेंट उस समय नहीं था। अक्षय वट अब हम लोग चल रहे पातालपुरी में। पातालपुरी हो आगे हम लोग पातालपुरी में। अक्षय वट मंदिर पातालपुरी। अच्छा ये भी अक्षय वट मंदिर है। अक्षय वट नीचे हम लोग मंदिर में
रोने साहब बहुत ठंडी है, ठंडी है इधर, हिंदी बोलते बंगाली। अक्षयवट मंदिर पातालपुरी चल रहे हैं हम लोग, मंदिर के अंदर दर्शन करके आते हैं। मंदिर के अंदर सुबह से उतरते हुए जोधा भाई, हाँ हाँ पूजा करते थे ना, हिंदू धर्म के थी, पूजा करते थे। ऊपर खुला हुआ है, यहाँ पर माता पिता के नाम से दान करते हैं। यहाँ किए थे, वहाँ किए थे, वहाँ किए थे, वहाँ कहाँ करें, जंगल में? अरे वहाँ अक्षयवट के नीचे, वो अक्षयवट नहीं है, वहाँ आपको छूने भी नहीं दिया, वो दिगंबर जैन का चरण है, केवल रास्ता डिवाइड किया, यहाँ भेज दिया पूजा करने के लिए। आप अक्षयवट तो प्राचीन वही बताया जाता है, ये प्राचीन है, आप पाताल में आए हैं मूल का जड़ कर दर्शन करने, तो ये जड़ है जैसे बताई जाती है कि ये जड़ है, ये मूल जड़ और वृक्ष वहीं पे है, केवल तीन जगह है, एक यहाँ, एक गया जी में, जगन्नाथपुरी में, बाकी आपको सब समझ में नहीं, कहीं कहीं जैसे उल्लेख मिलता है, उल्लेख नहीं, सारा उल्लेख यहाँ लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है, आप चाहे चाइना का पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान का दार्शनिक था जो, और चाहे ब्रिटिश जमाने में, अक्षय वट का मूल जड़ यही बता रहे हैं यहीं पे। प्रयाग महाशिवण के अनुसार श्री सनातन अक्षय वट की उपस्थिति के शूलकंठेश्वर महादेव की शिवलिंग से 10 हाथ की दूरी पर बताई गई है, जो वर्तमान में आज भी उसी स्थान पर विद्यमान। तवंट रक्षित सदा शूलपाण महेश्वराय, नागराज शेषनाग, श्री अक्षयवट परिक्रमा। स्पर्श करेंगे, मनोकामना मांगो, मनोकामना पूरा करने वाला पेड़ है यहाँ, भगवान राम माता सीता पूजन देने गए, यहाँ माता सीता ने पूजा किया था, विश्राम भी किए थे, दान भी किया था, 3 रात से यहाँ विश्राम किए। तो सिया जी आप भी पूजा कर लीजिए, हर हर महादेव। जय शिव शंभू। घंटी 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 ऊपर, ये वाली बड़ी वाली जाए, जय हो जो ने मंत्र पढ़ दे लिया। ठीक ठीक महाराज जी, चलिए Thank you.
राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का। पीछे आर्मी एरिया है, आर्मी कैंट बना दिया गया है इस किले में। उधर अलाउ नहीं है, जो कि उधर सरस्वती कूप भी है, लेकिन इस समय वहाँ पे बंद कर दिया गया है, अलाउ नहीं किया गया है। तो अब मंदिर परिसर से हम लोगों का परिक्रमा भी हो गया, दर्शन हो गया। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकला जाना, चलिए हम लोग बाहर चलते हैं। तो अक्षय वट का दर्शन करके पातालपुरी से हम लोग वापस चल रहे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं। वाह, आते ही लाइट जल गई। चलिए सिया जी, यहाँ पे कृष्ण जी हैं। ना कि फिर जाइए ना, यहीं रह जी हैं। हम लोग चल रहे हैं वापस। पुलिस चौकी अक्षय भट्ट दारागंज, यहाँ पर प्रयागराज पुलिस चौकी अक्षय भट्ट। हाँ, तो हम लोग अक्षय भट्ट से आ गए बाहर, और देखिए ये क्या बेच रहे हैं, क्या चीज है ये? संजीवनी प्लांट बोलते हैं। संजीवनी प्लांट है, संजीवनी प्लांट है। तो ये ऐसे ही रहता है, इतना ऐसे ही रहता है, बढ़ता रहता है, सारी जमा बढ़ता जाता है। और ये यही है, क्या है? आइए दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये क्या दिख रहा है? क्या है जाता है? कंदमूल है, जो भगवान राम जी ने 14 वर्ष वन में खाया था, वो फल है। अरे वो तो ठीक है, पता नहीं है। लेकिन ठीक है, कैसा टेस्ट में कैसा रहता है? मीठा होता है। दिखाएंगे आप, दे दीजिए। ठीक है, लेते हैं कंदमूल। अभी तो ऐसे ही हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, चाय पानी नाश्ता कुछ हुआ। ये जमीन में होता है? हाँ, चलें हम लोग कंदमूल खाने। तो हम लोग घूमते घूमते आ गए, कंदमूल का स्वाद भी ले लिया गया। अब चलते हैं हम लोग आगे, बड़े हनुमान मंदिर, और फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। फिर जैसा होगा फिर आपसे एक और मुलाकात करते हैं। हाँ, हनुमान मंदिर के गेट पे। तो हम लोग लेटे हुए हनुमान जी आ गए हैं, और बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाने जाते हैं, बंधवाले हनुमान जी के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पे लेटे हनुमान जी हैं। हम लोग यहाँ पे दर्शन करके फिर निकलते हैं घर के लिए, और ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग अब दर्शन करके निकलेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर आप लोग बने रहिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगले ब्लॉग में मिलते हैं फिर। यह है महर्षि भारद्वाज की मूर्ति, भारद्वाज पार्क। गेट है, एंट्रेंस गेट।